युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद की जुबान कुछ इस तरह फिसली कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों के लिए कहा कि दोनों ने झूठ का चश्मा लोगों के लगा रखा है, अब धीरे धीरे वो उतर रहा है। उनके इस प्रकार के बयान देने से तो ऐसा लगता है कि वे भी कमलनाथ के सीएम बनने से नाराज हैं, क्योंकि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से हैं, इसलिए उनके गले यह नहीं उतर रहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री आखिर कैसे बन गए। शामगढ़ होटल गोधली प्लेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केशव चंद ने ये बात कही। न्यूज मीडिया टुडे के लिए असलम खान की रिपोर्ट। नहीं, वो तो अभी कमलनाथ जी ने जैसा दिखाया, और ये जो पूरी झूठ की जो एक फिल्म है, झूठ का जो चश्मा कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को पहना रखा था, वो धीरे धीरे उतर रहा है। हमें जो मोटे मोटे आंकड़े जो पता है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में करीब 60,000 के आसपास लगभग पा सकते हैं आप किसानों का। युवा कांग्रेस से युवाओं के साथ जुड़े हैं, हरदीप सिंह विधायक भी हैं यहाँ की, और दूसरी बार इज्जत रखी है कांग्रेस की उन्होंने यहाँ पे। आपको क्या लगता है उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग आप रखेंगे आपकी तरफ से या आपके युवाओं की तरफ से? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा मंत्री बने हैं, राजस्थान के अंदर बने हैं। 34 टिकट मिली थी युवा कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी जी ने दिया था, बड़े पैमाने पर साथी निकल के आए। और चूंकि एक जो प्रक्रिया आ गई थी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि इतने प्रतिशत तक के ही लोगों को हम मंत्री बना सकते हैं, वो एक सीमा है, लेकिन ये माननीय कमलनाथ जी का मामला है। और अगर यहाँ की जनता की तरफ से ऐसी मांग होती है तो अभी युवाओं के अध्यक्ष राष्ट्रीय नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं कह तो रहा हूँ, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रियव्रत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, ओमकार मरकाम जी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव थे, हमसे थोड़ा सा पहले उमंग सिंघार जी राष्ट्रीय सचिव थे, कमलेश्वर भाई हमारे साथ कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सचिव थे, सभी मंत्री। तो अगर कहीं कोई साथी छूटा है तो वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। साथी को आना चाहिए, नहीं बिल्कुल आना चाहिए और मौका भी मिलेगा। क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के अंदर कहने के एमएसआई बहुत निचले स्तर पर है, कहीं जो उगना चाहिए एमएसआई को उग नहीं पा रही है, जैसे कालोचुकी में उसका जो बदतर हाल है, इस कारण से कांग्रेस की नींव बन नहीं पा रही। क्या कहेंगे आप? केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में छात्र आंदोलनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दबाया गया, तमाम विश्वविद्यालयों में उसको रोका गया।